हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज न्यूरल नेटवर्क। सो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ह्यूमन बॉडीज में हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं। तो अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम न्यूरल नेटवर्क क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है, मतलब जो हमारे ब्रेन है, उसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाना मतलब कि जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन के जो फंक्शंस हैं, जो हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, उसे हम मशीन्स में डाल रहे हैं, हम उसे मशीन्स में डाल रहे हैं। जैसे आप गूगल असिस्टेंट ले लो, गूगल ट्रांसलेट ले लो, तो वो वाली सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूरल नेटवर्क में आती हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इनपुट लेता है, वो चीज़ों को देखता है, फिर उनको क्या करता है, समझता है, और फिर उसके बाद उसका एप्रोप्रिएट वो आउटपुट निकालता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कर रहे हैं, तो हमने इनपुट डेटा लिया। अब इस इनपुट डेटा के ऊपर हम कुछ एल्गोरिथम्स लगाएंगे, और वो एल्गोरिथम्स लगा करके हम उसे कन्वर्ट कर देंगे एक मीनिंगफुल डेटा में। अब ये वाली जो प्रोसेसिंग है, ये वाली जो वर्किंग है, ये एक नॉर्मल कंप्यूटर की है, जो आपका नॉर्मल कंप्यूटर करता है। जैसे कि सपोज मैंने बोला 8 की पावर 8 का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो जो नॉर्मल कंप्यूटर होगा वो उसका एक्यूरेट आंसर दे देगा। अगर इसी चीज़ को ह्यूमन करने बैठेगा तो उसको आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो क्या करेगा, बहुत जल्दी आंसर दे देगा। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन के लिए जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन अगर हम लें एक एग्जांपल की, सपोज़ आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया है, आपका फर्स्ट डे है, तो आपने वहाँ पे सबका फेसेस देखे हैं, उनके नेम्स आपको याद हैं, बट सेम चीज़ अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर को बोलोगे तो वो उन्हें उतनी अच्छे से रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा। सपोज़ उसने रिकॉग्नाइज़ कर लिया डे वन उनके फेसेस कैसे थे, उसके बाद अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सपोज़ कुछ नया हेयर स्टाइल नेक्स्ट डे वो लेकर आ गए, कोई शेव करके आ गया, तो वो पहचान नहीं पाएगा, उसको टाइम लगेगा। या फिर वो क्या करेगा कि हाँ 20% 30% फेसेस मिल रहे हैं बट एक्यूरेट नहीं है। या जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आयरन मैन का, तो सबको पता है आयरन मैन में जो हीरो है टोनी स्टार्क, सब उसका बाय फेस जानते हैं। तो अगर नॉर्मल ह्यूमन उसको देखेगा, चाहे वो शेव करा के आए, चाहे वो हेयर स्टाइल बदल के आए, या वो अपना मास्क लगा के आए आयरन मैन वाला, तो सब उसको पहचान लेंगे, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। तो अब इस नॉर्मल कंप्यूटर पे क्या होता है, हम न्यूरल नेटवर्क लगाते हैं, तो उसके लिए हमें लर्निंग एल्गोस लगानी होती हैं, सो दैट वो क्या करे, उसका जो न्यूरल नेटवर्क है वो इम्प्रूव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, लर्निंग्स लगाते हैं ताकि उसका जो न्यूरल नेटवर्क है वो इम्प्रूव हो जाए, और फिर वो खुद से लर्न करे, और फिर वो खुद से पहचान ले। अब जैसे हमारा, अगर हम बायोलॉजिकल हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसको देखें, तो वो कुछ इस टाइप से होता है। इस तरह से जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सो ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं डेंड्राइट्स, देन ये है हमारा सेल बॉडी, देन ये है एग्जॉम्स, और ये है टर्मिनल एग्जॉम्स।
सो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये इनपुट फैच करते हैं कि जो भी उनको दिख रहा है बाहर वो उस इनपुट को फैच करते हैं। देन सेल बॉडीज़ क्या करते हैं, वो उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग जो होती है वो सेल बॉडीज़ करते हैं। देन एग्जॉम्स उसको पास करते हैं, इधर सेल बॉडीज से पास होते हैं वो, फिर फाइनल एग्जॉम्स में जाते हैं। तो जो पासिंग होती है एग्जॉम्स के थ्रू होती है। देन जो टर्मिनल एग्जॉम्स होते हैं ये आगे डेंड्राइट्स के साथ में अटैच होते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स होते हैं। फिर वो डेंड्राइट्स क्या है, नेटवर्क्स है, तो ये आगे अदर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो सिमिलरली अब ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा बायोलॉजिकल हो गया। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखें तो कैसे होता है हमारा, हमारे पास एक फंक्शन है, हमारे पास इनपुट्स होते हैं x1 x2 टिल xn, उसके ऊपर कुछ वेट होता है और फिर हम मैथमेटिकल फंक्शन उसके ऊपर लगाते हैं और फिर वो हमें कुछ आउटपुट देता है। सपोज़ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लीनियर फंक्शन लेते हैं, अगर हम लीनियर फंक्शन लें तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा x1 w1। तो अब ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करेगा और फिर उसको कंपेयर करेगा थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ। थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ वो कंपेयर इसलिए करेगा, वो चेक करेगा कि जो उसका वैल्यू आ रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। तो एक्यूरेट जितना ज़्यादा होगा वो उतना करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये पूरा न्यूरल नेटवर्क जो है काम करता है, सेम एज इट इज़ जैसे हमारा न्यूरल ब्रेन वाला काम करता है, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारी मशीन्स होती हैं उनको हम उसी टाइप की लर्निंग्स देते हैं, लर्निंग एल्गोज लगाते हैं ताकि वो भी अपने आप से सेल्फ लर्न करे और आगे आंसर दे।